नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईको मानवी पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, यदि आप Amazon, मीशो या Flipkart के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करके और अपने एक बिजनेस अपना घर से करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और पूरा का पूरा सेटअप मैं आपको पूरी वीडियो में दोस्तों दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना। और ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं, करोड़ों प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट ढूंढने का जो तरीका है वो आप खुद इन ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ कुछ हिंट दे देना चाहता हूँ कि जो आप प्रोडक्ट जब भी चूज करें तो आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करें कि जो हमारे जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनकी डेली का जो रोज़मर्रा का जो है वो यूज में आता हो प्रोडक्ट। तो ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ, जैसे जो हमारी कैटेगरी है वो फुटवियर कैटेगरी है। दोस्तों जैसे आदमी कपड़ा पहनना कभी नहीं छोड़ सकता, कपड़ा और फुटवियर एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी में आता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट आप चूज करें तो आप ये देख लेना कि आपका जो प्रोडक्ट हाईएस्ट सेलिंग हो, मतलब कहने का मतलब है वो डेली रोज़मर्रा में यूज होता हो लोगों के घरों में। तो आपको एक प्रोडक्ट चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। दोस्तों आप या तो घर से कर सकते हैं। घर से करने का दोस्तों ये फायदा है, जैसे ये मेरे यहाँ प्रोडक्ट यहाँ रखे हुए हैं तो मैंने ये एक रेंट पे ले लिया है 3-4 हज़ार रुपये में स्पेस। तो मेरे ये प्रोडक्ट मेरे यहाँ रखे हुए हैं तो इन प्रोडक्ट को मैं मीशो पर भी सेल कर सकता हूँ सेम इन्वेंट्री को, और सेम इन्वेंट्री को मैं फ्लिपकार्ट पर भी डाल सकता हूँ और अमेजोन पर भी डाल सकता हूँ। यानी कि इन्वेंट्री सेम है और इसी इन्वेंट्री को मैं 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके बेच सकता हूँ। यदि आप कंपनी का वेयर हाउस, जैसे Amazon का Amazon FBA जो प्रोग्राम है, उस कंपनी का जो वेयर हाउस है, वहाँ आपको प्रोडक्ट भेजने होते हैं तो उनके ऊपर आपको बकायदा बार कोड वगैरह लगा के तब प्रोडक्ट वहाँ भिजवाने होंगे, कलर कौन सा है सारी चीज़ें उस पर मैंसन करके फिर वहाँ वेयर हाउस में जाएंगे। तो वेयर हाउस में जाने से आप जिस कंपनी के वेयर हाउस में आपने प्रोडक्ट भेजे हैं तो केवल उसी कंपनी के वेयर हाउस ऑर्डर आएंगे तो वहीं आप सेल कर पाएंगे। तो उसका आपका स्टोरेज चार्जेस भी लगता है, जो आपके ऑर्डर चाहे वहाँ सेल हो या ना हो, तो जितने दिन तक आपका पैकेट रखा रहेगा वहाँ पर तो उसका आपका चार्जेस आपका लगेगा। लेकिन यदि आप घर से करेंगे तो आप उसी प्रोडक्ट को आप 3 पोर्टलों पर या फिर और भी अपनी यदि खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप उस पर भी बेच सकते हैं। तो ये फायदा रहता है घर से अपना बिजनेस करने का। यदि आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप जो है रेंट पर भी ले सकते हैं, वहाँ से जो है आप ये ऑनलाइन वाला बिजनेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट दोस्तों चूज करने के लिए आप Amazon, Flipkart पर ही जाइए, वहाँ आपका आपको करोड़ों जो है प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे और आप उन्हीं में से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लीजिए। दोस्तों सब लोगों का प्रोडक्ट बिक रहा है तो आपका भी दोस्तों प्रोडक्ट बिकेगा। इसके कुछ सिस्टम होता है ऑर्डर लाने के, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरा ये सेटअप है, इसमें एक रूम ये वाला है और एक जो रूम ये वाला है, यहाँ पर भी दोस्तों मेरा जो स्टॉक है वो रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी स्टॉक है। तो 2 रूम ये हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने ये पूरा जो है मकान रेंट पर ले रखा है। दोस्तों ऑर्डर आने के, प्रोडक्ट लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिस पोर्टल पर आप बेचना चाहते हैं वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसका HSN कोड अपने GST पे मेंशन करा के वो आपका CA कर देगा। वो करने के बाद फिर लिस्टिंग की जाती है इन पोर्टल के ऊपर। जब लिस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हम देते हैं कि प्रोडक्ट का कलर कैसा है, कौन सा उसमें मटेरियल यूज किया हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो सारी चीज़ें, आप लिस्टिंग कैसे करते हैं इसके भी ऊपर हमने वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपने ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद आपने GST सर्टिफिकेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन भी आपने कर लिया। अब ये करने के बाद ये आपको स्पेस भी चाहिए इन्वेंट्री के लिए। तो आप जो है ये माल खरीदेंगे कहाँ से, कोई भी जो आपने प्रोडक्ट चुना है आप गूगल कर लीजिए। अगर उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं आपके सिटी में है, आपके एरिए में है, तो आप डायरेक्ट उनकी फैक्ट्री में विजिट करके और उनसे कॉन्टैक्ट करके माल आप ले सकते हैं और इनको सेल आउट कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में आपको आइडिया नहीं है कहाँ से माल लें, तो आप इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, वहाँ पर सारे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके और उनसे माल परचेज कर सकते हैं। जब भी आप माल परचेज करें स्टार्टिंग में तो ये ध्यान रखना कि इन्वेंट्री है, आप पहले कम से कम मंगाएं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट आप लाएंगे उसमें से कई सारे उसमें कलर होंगे और उसमें वेरिएशन होंगे, तो उसमें से कौन सा चलेगा। तो ये आपको पहले इन्वेंट्री कम कम लेके आएँ, अपने सप्लायर को मनाएं कम इन्वेंट्री के लिए। यदि वो आपको कम इन्वेंट्री नहीं देता है, बोलता है कि मुझे 500 या 1000 पीस का कम से कम ऑर्डर दीजिए, तो आप दूसरे सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे इंडिया मार्ट पर सप्लायर हैं जो भूखे बैठे हैं ऑर्डर के लिए। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कम इन्वेंट्री में माल लाइए, उनकी लिस्टिंग कीजिए, फिर रिस्पॉन्स देखिए
कि उनका प्रोडक्ट का कैसा आ रहा है। जब अच्छा रिस्पॉन्स आए, ऑर्डर आपके आने लग जाएँ, तब आप जब नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे तो आप ज़्यादा इन्वेंट्री उसमें बल्क में मंगा सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? तो दोस्तों, एक तो आपको जनरली एक लैपटॉप चाहिए ये वाला, और एक दोस्तों वो थर्मल प्रिंटर होता है, वो आपको प्रिंटर चाहिए तो ये काम करने के लिए। तो ये लैपटॉप और प्रिंटर आपके लिए कंपलसरी है, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो है प्रोडक्ट, ये जो शिपिंग लेवल है ये निकल रहा है, ये शिपिंग लेवल उस प्रिंटर से निकलता है। तो ये पैक करके, अब देखो हम हमारी जो इन्वेंट्री है, वो जो आइटम है, एक आइटम है, उसको हम फ्लिपकार्ट पर भी बेच रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को हम मीशो पर भी बेच रहे हैं। तो ये लिस्टिंग करने के बाद फिर आपको ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आने के बाद फिर आपको जिस कंपनी पे आप सेल कर रहे हैं उस कंपनी के आपको पॉली बैग में ये प्रोडक्ट आपको पैक करके रेडी रखने हैं। पैक करने के बाद कंपनी का जो लॉजिस्टिक है, जो फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है, ई कार्ट वाले, वो आपके घर पर आएंगे और इन प्रोडक्ट को स्कैन करके ले जाएंगे और ग्राहक तक पहुँचा देंगे। वहाँ से पेमेंट लेने के बाद, अपना कमीशन काटने के बाद पेमेंट आपके खाते में डाल देंगे। तो ये सिस्टम होता है ऑनलाइन बिजनेस का। इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा कोई स्टाफ हायर करना है शुरू में, ना कहीं आपको लाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा करनी है, शोरूम नहीं खोलना है इसमें आपको, तो बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। आप गली के किसी भी कोने में खाली स्पेस लेके आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें मैंने आपको बता दिया लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप के अलावा एक आपको प्रिंटर चाहिए। इसके दोस्तों, ये जो पैकेजिंग बॉक्स है जिसमें हमारा जो इन्वेंट्री रहता है, तो इसमें जब स्टार्टिंग में आप कराएं, तो यदि आप फुल प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ट्रेडमार्क लेने की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेडमार्क लेने का फ़ायदा ये है, यदि आप ट्रेडमार्क लेके काम करेंगे तो आप अपने जो आपका ब्रांड नेम है, लोगो जो आप जिसका आप ट्रेडमार्क लेंगे, तो आप उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग करा सकते हैं। इस तरीके से ट्रेडमार्क के थ्रू आपका फ़ायदा ये रहेगा कि यदि आप अपनी ब्रांडिंग बना के शुरू से चलेंगे तो जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो आपके ब्रांड को पहचानेंगे और आपको रीऑर्डर फ्यूचर में आते रहेंगे। नहीं तो यदि आप जेनरिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप ट्रेडमार्क लेके शुरुआत में काम नहीं, मतलब शुरुआत आपने की है तो आप शुरुआत में जेनरिक में भी जा सकते हैं, पर उसमें ये घाटा रहता है, जब भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आप जेनरिक में सेल करेंगे तो वहाँ सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा सेलर ला के यदि आपका प्रोडक्ट हिट हो गया और अच्छे ऑर्डर आने लगे तो वो 2-4 रुपये प्राइस कम करके और आपके नीचे लिस्टिंग कर देगा, तो सारे ऑर्डर आपको उसके पास चले जाएंगे। तो ब्रांडिंग लेके, ब्रांडिंग करा के और ट्रेडमार्क अप्लाई कराने के बाद सेलिंग करने का आपका ये फायदा रहेगा कि आपकी मोनोपोली रहेगी और आप जब भी जो है प्राइस है तो आप प्रीमियम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यदि कोई भी अदर सेलर आपकी लिस्टिंग के ऊपर छेड़छाड़ी कर, कोई भी अदर सेलर आपकी लिस्टिंग को छेड़ता है, आपकी मैपिंग करता है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं। तो ये जो कॉरूगेटेड बॉक्स हैं, ये कॉरूगेटेड बॉक्स आप बनवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इसमें रिटर्न भी आते हैं, जब ऑर्डर जाते हैं तो रिटर्न आते हैं, तो रिटर्न में जो बॉक्स है वो डैमेज हो जाता है। तो ये जो है पैकेजिंग, आपको एक्स्ट्रा इनकी जो कटिंग है वो आपको बॉक्स को लेके रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ये पॉली बैग होते हैं, ये इसमें यूज होते हैं, ये मीशो का पॉली बैग है और ये फ्लिपकार्ट का पॉली बैग है। जब भी ऑर्डर आएंगे तो जिस कंपनी पर ऑर्डर आ रहे हैं आपको उसी कंपनी का पॉली बैग यूज करना है। तो ये पॉली बैग में आपको इनको पैक करके रेडी रखना होता है। ये फ्लिपकार्ट के ऑर्डर आज के आए हैं, ये हमने पैक करके रेडी रखे हुए हैं, और मीशो के ऑर्डर हैं, ये मीशो के ऑर्डर हैं जो हमने यहाँ पैक करके रेडी रखे हुए हैं, वो अभी आएगा लॉजिस्टिक वाला बंदा तो वो ले जाएगा। ये हमने खाली बॉक्स मंगा के रखे हुए हैं, ये बॉक्स दोस्तों जो हमारे रिटर्न्स आते हैं तो उनमें जो कॉरूगेटेड बॉक्स डैमेज हो जाता है तो उनको द्वारा हम रीपैक करते हैं रिटर्न खोलने के बाद, तो उसके लिए आपको ये बॉक्स भी चाहिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए हम जो है यहाँ से 300-400 ऑर्डर पर डे पैक करते हैं, तो इतना स्पेस जो मैंने आपको दिखाया है ये स्पेस में हम करते हैं काम। और बिजनेस की अपेक्षा दोस्तों एक अच्छा बिजनेस है, यहाँ आप जो है यदि 100 ऑर्डर भी पर डे ले आते हैं और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज आपका प्रोडक्ट बेहतरीन है, ठीक है, तो आप उस पर 40-50 रुपये भी प्रॉफिट लेते हैं तो आपके दोस्तों 4-5 हज़ार रुपये जो है आपके पर डे के यहाँ बन जाते हैं। इसके अलावा यदि आप रिटर्न वगैरह जो इसमें आते हैं उसमें से यदि आप 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे का भी माइनस करते हैं रिटर्न में, जो कंपनियाँ, हालांकि जो रिटर्न आते हैं यदि डिफेक्टिव होगा आपका प्रोडक्ट, कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तभी इसमें कस्टमर रिटर्न आता है। अदरवाइज़ यदि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है तो इसमें रिटर्न आने के चांस आते हैं, रिटर्न लेकिन इतने नहीं आते हैं जितने आप, यदि आप चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसमें जितने रिटर्न आते हैं। तो बस इसमें जो लॉस है वो रिटर्न्स में ही होता है, बाकी इसमें कोई लॉस नहीं है। ये बिजनेस आप घर से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये दोस्तों ऑनलाइन का जो बिजनेस है सेटअप है, ये स्टेप बाई स्टेप मैंने एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यदि इसमें कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।